दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आ रही है। अभी बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान की कीमतें आने वाली चुनाव तक 2500 से बढ़ाकर 2800 करने की तैयारी कर रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुँच जाए, अगले साल ओकरल ऊपर जाए, चुनाव का अगले 2800 हो जाए। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल से की जाती है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1900 रुपये देती है और बाकी का पैसा 600 रुपये राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के तहत दी जाती है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के इस शुभ अवसर पर किसानों के लिए एक नई सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाली पंचवर्षीय चुनाव तक धान की कीमतें 2500 से बढ़ाकर 2800 करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सिर्फ इतनी ही बढ़ोतरी सही है, और वो भी अभी गारंटी नहीं है कि ये कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों अभी धान की खरीदी सिर्फ 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से की जाती है और बीते दिनों खाद एवं उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई थी और साथ ही साथ इस वर्ष पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, जिससे किसानों को इस वर्ष किसानी करने में अन्य वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा लागत आई थी। तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी विभिन्न प्रकार के फसलों, सब्जी एवं फलों से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट एवं न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।